तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज करने वाला हूँ 0 12 3 एम्पीयर यूज करूँगा। तो दोस्तों मेरे पास अभी जो 0 12 ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं 12 0 12 ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक 12 0 12 ट्रांसफार्मर है जो कि 3 एम्पीयर का है। तो मेरे पास 0 12 ट्रांसफार्मर नहीं है। आपके पास अगर 0 12 ट्रांसफार्मर है तो वो 3 एम्पीयर लगा सकते हो, या तो आप 12 0 12 को भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 0 12 को ले लिया है, और यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर बने हुए हैं दोस्तों, तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हो कि ये जो कटा हुआ निशान है ये हमारा प्लस है, और ये वाला माइनस, बाकी ये दोनों बीच में जो हमारा डायरेक्ट एसी जाएगा, जो कि ट्रांसफार्मर से इनपुट जो कि ट्रांसफार्मर से आएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन किस तरीका से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीका से हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमारा यहाँ पे 0 12 का वायर है, उसको हम इस डायबोर्ड के दोनों बीच वाले पिन में दे देंगे। आप दोनों किसी में भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने इसको इसमें लगा दिया और इसको इसमें लगा दिया, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हमारा 12 वोल्ट इसमें मिल चुका है। देख सकते हो जो मैंने 0 12 ट्रांसफार्मर से लिया है, तो मैंने यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना हुआ है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है उसके बीच में मैंने 0 12 का कनेक्शन किया है, और ये हमारा यहाँ पे DC आउटपुट करके यहाँ पे हमारा माइनस यहाँ से निकाल रहा है और प्लस यहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट हम जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट यहाँ पे जो कैपेसिटर से जो मैंने लिया था माइनस और प्लस का वायर, तो यहाँ पे हमारा माइनस और प्लस का वायर आता है। तो इसका कनेक्शन हम डायरेक्ट इसमें कर देंगे, यहाँ पे हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, फिर भी चलेगा क्योंकि यहाँ से जो हमारा सप्लाई आएगा इस कैपेसिटर के पास ही आएगा, तो वो हमारा वोल्टेज यहाँ पे फिल्टर कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा वायर है उसका कनेक्शन हम इस डायबोर्ड में कर देंगे। जहाँ हमारा माइनस है वहाँ पे माइनस का कर देंगे, और जहाँ हमारा प्लस है वहाँ पे हम प्लस का कर देंगे। तो ये साइड जो आपको कटा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये वाला हमारा प्लस है, तो इसको हम प्लस के साथ कनेक्शन कर देंगे, और जो हमारा उस साइड वाला बचा हुआ दोस्तों ये वाला पिन, ये हमारा माइनस का है, तो इसे हम माइनस का कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। मैं आपको एक बार और दिखाने की कोशिश करूँगा। जो ये डायबोर्ड के बीच वाला दोनों पिन, इसमें मैंने 0 12 का कनेक्शन किया है, और साइड में मैंने ये एम्पलीफायर से जो मैंने यहाँ से कैपेसिटर से डायरेक्ट 2 वायर लिया है, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, तो मैंने इस दोनों को साइड में लगा दिया है। तो यहाँ से इसको ये सप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब इसको ट्रांसफार्मर को यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर को स्क्रूस मैंने टाइट कर दिया है, तो यहाँ पे ये फिट हो चुका है। अब बचा दोस्तों इसका मेन वायर का ये कनेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का मेन वायर है जिसमें हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे, और दोस्तों यहाँ पे मैंने मेन वायर का जो सिरा है उसको हम इस बैक साइड से इसको निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर मेन वायर का जगह बना हुआ है। उसके बाद हम एक गांठ लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जब हमारा वायर पीछे से अगर खींचा भी जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम गांठ लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा अंदर जो मैंने यहाँ पे मेन स्विच लगाया हुआ है उसमें इसका कनेक्शन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो एक वायर है दोस्तों, हम स्विच को एक पिन पर करेंगे। यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ स्विच का, तो आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जो अंदर स्विच का पिन है, तो ट्रांसफार्मर का एक वायर हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जो हमारा मेन वायर है उसका हम एक वायर को हम उसी के साथ कनेक्शन करेंगे, जो हमारा एक स्विच का खाली पिन बचा हुआ है। तो ये रहा हमारा मेन वायर। तो मेन वायर का हम एक वायर को हम इस स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन वायर को
स्विच के साथ मैंने कनेक्शन कर लिया है, और जो हमारा मेन वायर एक बचा हुआ है और जो ट्रांसफार्मर का एक वायर बचा दोस्तों, उसको हम एक साथ कनेक्शन कर देंगे। जो हमारा ये वायर बचा और ये वायर, इसको हम एक साथ कनेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इसमें सप्लाई मिल जाएगा, और ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ पे हमारा ये स्विच हमारा काम करेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने वायर को यहाँ पे जोड़ा था, उस पर हम टेप या कोई पीवीसी पाइप लगा देंगे या कोई स्लीव लगा देंगे, उससे क्या होगा दोस्तों कि हमें बॉडी में करंट नहीं आएगा और ना ही हमें करंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेप लगा देंगे इसमें। तो दोस्तों मैंने इसमें टेप लगा दिया है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें नॉब लगा लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका नॉब लगा दिया, ये मेरे बैलेंस का, ये ट्रेवल का, ये बास का, और ये मेन हमारा वॉल्यूम हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इसमें ऊपर वाले कवर को लगा लेते हैं।